हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाएं। कर चलते हैं आपको अहम खबर की ओर, जहां पर गुर्जर आरक्षण को लेकर एक बैठक हुई। मैं पूरी बात तो कर लूं सर, पूरी बात बता रहा हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो चर्चा हुई है वो 5% आरक्षण पे बात हुई है, बैकलॉग पे बात हुई है, जो हमारे जो शहीद हैं जो आई हैं लेडीज उनके बारे में बात हुई, और जो केसेस हैं उनके बारे में बात हुई है। तो इन सब जो जो हमारे बिंदु थे उन सबके बारे में बात हुई है। 5% के ऊपर उन्होंने कहा है कि लागू होगा और बिल्कुल ठोस तरीके से लागू होगा और पूरे MBC वर्ग को इसका 5% का फायदा मिलेगा। बैकलॉग के बारे में क्या विशेष तौर पर आश्वासन मिला है? बैकलॉग के बारे में वो पूरे के पूरे बैकलॉग की जो है वो संकलित करेंगे फिर बताएंगे। और अभी CM से कोई बातचीत कर्नल साहब की या प्रतिनिधिमंडल की आगे कोई भविष्य में? अभी तो कुछ नहीं है। और मंत्री जी के साथ ही, मंत्रिमंडलीय समूह के साथ ही वापस से बैठक होगी आप लोगों की? अब जो मंत्रिमंडलीय समूह है वो आकर के हमें बता देगा कि भाई क्या करा है। देखिए, हम लोग ये वार्ता इसलिए थोड़ी कर रहे हैं कि बार बार हमें मिलने का शौक है। ये वार्ता इसलिए हो रही है कि जो जो काम और जो जो हमारी अग्रीमेंट हुई थी वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर अग्रीमेंट हो जाती है तो हमें वार्ता करने की जरूरत ही नहीं है। मंत्रियों ने कहा कि वार्ता के लिए 5 ही लोग आए, आगे से ध्यान रखें, गुजर समाज जब भी वार्ता के लिए आए 5 लोग आए, ऐसे 50 लोग आएंगे तो कभी वार्ता नहीं होगी, ऐसा कहा गया है। ऐसा है कि क्या होता है कि जब ज्यादा लोग होते हैं तो आवाजें भी बहुत सारी आती हैं, लेकिन दर्द सबका है, पूरा समाज एक है इस बारे में। 5 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट बनती है तो। रिक्वायरमेंट के ऊपर है, बड़ी मीटिंग है तो बड़ा होगा, छोटी मीटिंग है छोटा होगा। 5% आरक्षण देने पे सरकार कह रही है, इसका मतलब संकल्प है? आप मुझे एक बात बताइए, जो सरकार एक्ट पास करती है 13 तारीख को, वो एक्ट कोई मामूली कागज तो नहीं है? 5% आरक्षण का कागज है ना, वो लीगल डॉक्यूमेंट है, कोई सरकार उसको उससे अपने आप में मुंह फेर सकती है क्या? 8 मार्च को DOP का ऑर्डर आया हुआ है 5% त्वरित तरीके से लागू करने का, वो भी तो सरकार का ही डॉक्यूमेंट है। पुराने केसेस जो पेंडिंग थे उनको लेकर भी कुछ वार्ता हुई? हाँ, वार्ता हुई, उसकी समीक्षा होगी, एक सेकेंडरी मीटिंग भी होगी। अभी कितने पेंडिंग है केसेस और क्या स्थिति है, उन्होंने बताई होगी ना? उन्होंने डिटेल पूरी दी है, शैलेंद्र जी उस पे हैं, शैलेंद्र जी पीछे बैठे हैं, वो बता देंगे आपको इस बारे में। सर, संतुष्टि तो तब होगी जब पूरी तरह से 5% ढंग से लग जाएगा। मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, बैकलॉग पर डिस्कशन हुआ, 5% का आश्वासन दिया है मिलेगा अगर हमारी मीटिंग अच्छी हो। देखिए, सरकार पूरी तरह से अभी तैयार होकर नहीं आई थी और उन्होंने 5% प्रक्रियाधीन आरक्षण में अश्योरेंस दिया है कि जब तक कोई नियुक्ति या कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे जब तक 5% आरक्षण नहीं देंगे। और जो बैकलॉग की बात है, उन्होंने कहा उसकी हम समीक्षा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में SLP पेंडिंग है, उस पर उन्होंने कोई पद संकलित नहीं किए हैं, जो पुराने समझौते हैं उन पे भी सरकार का कोई होमवर्क नहीं था, और मुकदमों के बारे में जो उन्हें स्टेटस बताया है, 50 मुकदमे अभी पुलिस अनुसंधान में पेंडिंग है और हर महीने उसकी एक रिव्यू मीटिंग हुआ करेगी जिसमें मुकदमे का निस्तारण जल्दी से जल्दी करने की बात कही है। 5% आरक्षण प्रक्रिया 3 भर्तियों में मिलेगा, ये उन्होंने हमको एश्योरेंस दिया है, लेकिन बैकलॉग पर अभी तक सरकार स्पष्ट नहीं है, उन्होंने पद तक संकलित नहीं किए, ना पुराने समझौतों में नर्सिंग भर्ती हो चाहे और रीट की भर्ती हो, उस पर भी उन्होंने कहा हम एग्जामिन करेंगे, उस पर भी अभी सरकार क्लियर नहीं है। और जहां तक 1252 पद की बात है, उनके फिक्सेशन की बात कर दी है कि भाई उनके फिक्सेशन पे स्केल को फिक्स किया जाएगा, और जहां तक ये अपने MBC सर्टिफिकेट की बात है तो उन्होंने कहा है कि हम एक फ्रेश ऑर्डर निकालेंगे कि MBC की 5 जातियों के लिए OBC का सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। हमारे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, यहां तक DOP ने कह दिया हम एक और क्लेरिफिकेशन, एक ऑर्डर निकालेंगे सारे डिपार्टमेंट को, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, यूनिवर्सिटीज को, कॉलेजेस को, कि 5% आरक्षण एडमिशन में दिया जाए। तो ये वार्ता बहुत सकारात्मक अभी नहीं कह सकते, 4-5 दिन हमको वेट करना पड़ेगा, 4-5 दिन बाद उन्होंने कहा हम आपको बताएंगे कि ये हमने कार्रवाइयां और की है। तो यहाँ पर ब्रीफ किया जा रहा था, बताया जा रहा था गुर्जर समाज की तरफ से, जहाँ पर बैंसला भी थे, किरोड़ी बैंसला और उनके बेटे, और बता रहे थे कि ये बहुत सकारात्मक बैठक नहीं रही है,
हालांकि ये कहा गया मंत्रियों की तरफ से कि बैठक काफी सकारात्मक रही है, पॉजिटिव रही है, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है गुर्जर समाज की तरफ से कि भी 4-5 दिन और देखना होगा। लेकिन एक तलखी की जो बात कही जा रही थी, उस समय भी मैं तलखी देखी थी जब रेलवे ट्रैक को जाम करके बैठे थे गुर्जर, तब बैंसला के बेटे और विश्वेंद्र सिंह के बीच, मंत्री के बीच में काफी तल्ख बयानबाजी देखने को मिल रही थी, और यहां पर भी वही देखने को मिला, क्योंकि विश्वेंद्र सिंह कहते हैं कि बहुत कम संख्या में आई है तब अच्छे से बात होगी, और यहां पर बैंसला के बेटे कहते हैं कि जितनी जरूरत होगी हम आएंगे अपनी आवाज को उठाने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक।